मैंने पढ़े लिखे जाहिल भी देखे अली, इसी के घर की तरबियत नहीं है। मैंने कहा सर मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैं तो बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं एथलेटिक्स में हूँ, मैं स्क्वाश खेलता हूँ, मैं स्विमिंग करता हूँ। मैं उन प्लेयर्स के सख्त खिलाफ हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुँचाया। टीम में बदतमीजियाँ हो रही थी, डिसिप्लिन बिल्कुल बिखरा हुआ था, टीम टूटी हुई थी। समझाया है कि देखो बेटा ये मत करना, ये करना, तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। सॉरी नहीं, ओके सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, आज बहुत ही ख़ास किस्म की पॉडकास्ट है। वैसे तो सारी ही, हमारे सारे मेहमान जो आते हैं हमारे स्टूडियो में हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन इस लिहाज से कि ये जो शख्सियत हैं ये इनका पहला पॉडकास्ट है, तो ये मुझे एजाज़ हासिल है। आई एम सो ऑनर्ड टू हैव हिम इन माई दिस पॉडकास्ट शो, कि यहाँ से शुरुआत हो रही है। और मैं क्या कहूँ इनके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं और बहुत ही डाइवर्सिफाइड किस्म का इनका पोर्टफोलियो है, और जहाँ जिस फील्ड में गए वहाँ जाके इन्होंने अपना मकाम बनाया और अल्लाह ने उनको इज्जत दी। क्रिकेट की दुनिया में गए तो वहाँ जाके हमें से कौन है जो भूल सकता है कि लॉर्ड्स की वो डबल सेंचुरी को, और उसके बाद गए तो बेशुमार और रिकॉर्ड बनाए हमें। वो ऑस्ट्रेलिया की भी बैक टू बैक टेस्ट मैच की सेंचुरीज भी याद हैं, ये भी इन्हीं हिस्से में आई। फिल्म इंडस्ट्री में गए तो वहाँ जाके भी अपना एक मकाम बनाया, और उसके बाद पीसीबी के अंदर भी बहुत सारी नुमाया जो है हैसियतों में काम किया। चीफ सेलेक्टर रहे पीसीबी के अंदर, हेड कोच भी रहे, और आजकल अपनी एक किताब लिखने में मसरूफ़ हैं, तो बकौल शायर के कहानी का अपनी निशान छोड़ाए, वरक दर वरक दास्तां छोड़ाए। तो आज ये जो शख्सियत हैं ये वरक दर वरक अपनी दास्तां छोड़ाए हैं, एंड किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मोहसिन हसन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इज्जत दी, अपने पास बुलाया अपने शो में। और मैं ऑनेस्टली, मैंने पॉडकास्ट ये जैसा आपने कहा मेरा पहला है, लेकिन आई एम रियली डिलाइटेड that I'm here with you. Inshallah ta'ala, हमारी जो बातें होंगी वो पहुँचेंगी लोगों तक, लेकिन एक दफा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। So am I. I'm so honored to have you in my podcast because a bit excited also, because बहुत सारी बातें आपसे इंशाल्लाह होंगी क्रिकेट के बारे में और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। सर सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पहले तो ये बताएं कि आपकी, तो हमें पता है कि आपका ब्रॉटअप और आपकी पैदाइश यहाँ कराची की है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले ये क्रिकेट में आने से पहले हमने ये भी सुना है कि आप बैडमिंटन भी खेलते रहे, बल्कि बैडमिंटन खेलते रहे बल्कि पाकिस्तान की जूनियर टीम के कैप्टन रहे हैं, या आपने नुमाइंदगी की है जूनियर टीम की। तो क्रिकेट में कोई रोल मॉडल था आपका, कोई फैमिली में था, किससे इंस्पायर्ड होके क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा आपने? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए इंस्पिरेशन तो जी, मैं सब अपने माँ बाप के शुक्रगुजार होते हैं, माँ बाप सबके बहुत अच्छे होते हैं। मैं बड़ा फॉर्चुनेट था जी कि मेरी मदर वेरी वेल क्वालिफाइड थी, उन्होंने अपने अमेरिका से अपनी एजुकेशन भी ली थी, हायर एजुकेशन। मेरे फादर स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड थे, वो खुद खेलते थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए हॉकी भी खेले, तो उनसे मुझे स्पोर्ट्स में बहुत सपोर्ट मिली। और स्कूल कॉलेज तो आपको पता है एक इंस्टीट्यूशन होता है, लेकिन मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर पर एक एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन था मेरी मदर की शक्ल में, मेरी वालदा की शक्ल में, तो उन्होंने मुझे मेरी एजुकेशन में बहुत मुझे हेल्प आउट किया। फादर ने मुझे स्पोर्ट्स में, मैं खेलता था, मैं स्कूल और कॉलेज में 4-5 अली गेम्स खेलता था, जिसमें बैडमिंटन था, स्विमिंग थी, टेबल टेनिस था, एथलेटिक्स था, ये स्क्वाश था, और मैं तकरीबन उसमें से 4-5 की ट्रॉफीज जीत के लेके आता था सारे। तो लेकिन बैडमिंटन थोड़ा ज़्यादा जोर था, फिर पाकिस्तान जूनियर चैम्पियन बैडमिंटन भी बन गया उसमें क्रिकेट से पहले। बट क्रिकेट पता नहीं अंदर थी, कुछ थी। और अभी आपने आइडियल का अगर आप मुझे पूछें तो अभी शुरू में कह दूं तो इसलिए कि मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कहता हूं, मेरी क्रिकेट में 3 आइडियल्स थे। नंबर 1 माजिद खान, नंबर 2 सुनील गावस्कर, नंबर 3 ग्रेग चैपल ऑस्ट्रेलिया का। और तीनों ही लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं।
लेजेंड। और मुझे सबसे जो इनकी कमाल की एक और बात लगी थी, जैसे कि मेरे फादर ने मुझे एक बात कही थी कभी, जैसे हुआ कि शेव नहीं किया हुआ है, थोड़े से क्लम्सी है, तो उसने कहा बेटा याद रखना स्पोर्ट्समैन को हमेशा क्लीन इमेज देना चाहिए बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग द कंट्री। तुम मुल्क में खेलो, मुल्क से बाहर जाओ तो तुम्हारे तुम्हें देख के लोग पूरे पाकिस्तान का इंप्रेशन देंगे उससे, तो यू हैव टू बी वेरी। बल्कि मैं शुरू में आपको बता दूं, मैं एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट के लिए लीग क्रिकेट के लिए जा रहा था, तो मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि मोहसिन तुम पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हो, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारा, लेकिन याद रखना तुम्हारे नाम के साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान की इज्जत को कभी ठेस ना पहुँचने देना। तो कभी नहीं पहुँचने दी और ना आज तक पहुँचने दी, और जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है पाकिस्तान अली हमारे लिए हमारी माँ की तरह है, और जो लोग अपनी माँ की इज्जत नहीं करते वो किसी की इज्जत नहीं करते, तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। लेकिन बहरहाल बैडमिंटन में वो खेला, फिर क्रिकेट में मेरे ये आइडियल थे, अल्लाह ताला ने और क्रिकेट में मौका दिया, परफॉर्मेंस भी दी, और किसी ने एक दफ़ा मेरे फादर को उठना बैठना था कुछ क्रिकेट के सर्कल में, सिफारिशें तो चलती हैं आपको पता है, जब से चलती थी, बड़ा जो हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और जो आके मैंने ख़त्म कहाँ की थी जब मैं चीफ सेलेक्टर बना था जी, और फिर उसके बाद जब मैं हेड कोच बना, एक लड़का सिफारिश में था, सब मेरिट के ऊपर थे। अच्छा, पहले आप हेड कोच बने उसके बाद चीफ सेलेक्टर? नहीं, पहले मैं चीफ सेलेक्टर, चीफ सेलेक्टर बने, अच्छा, फिर उसके बाद मैं हेड कोच बना। तो मैं उस जमाने में किसी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे फादर का सबसे उठना बैठना है, तुम जाके कहो तुम्हारी इतनी परफॉर्मेंस है तुम लोग टीम में नहीं लेते, तो मैंने कहा अच्छा, मैं खैर मैंने कह दिया, छोटा था मैं। उन्होंने मुझे बुलाया, कहने यहाँ बैठो, कहने देखो बेटा अगर आइंदा तुमने सिफारिश की कभी बात की ना तो मैं तुम्हारी क्रिकेट छुड़वा दूंगा। कभी सिफारिश सिर्फ अल्लाह की लेना और अपने बाजुओं पे भरोसा करना, मेहनत करो पूरी दिल लगा के और अल्लाह पे भरोसा रखो, तुम कामयाब होगे, सिफारिश की आइंदा मुझसे कभी बात नहीं करना। सो दैट वॉज अ ग्रेट लेसन फॉर मी। और मैं उसके बाद फिर जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रूव करके बताया चलती है सिफारिशें, जो जिस इस चीज़ ने हमारे मुल्क में मेरिट को बहुत बर्बाद किया है, आई एम सॉरी टू से, मुझे दुख होता है कहते हुए, पाकिस्तान इज सच अ टैलेंटेड कंट्री, चाहे वो स्पोर्ट्स ले लें, कोई भी फील्ड ले लें, आप देखिए पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं कैसा कैसा ज़बरदस्त काम करके दूसरे मुल्कों को सर्व कर, ममालिक को सर्व कर रहे हैं, हमारे मुल्क में जिनको सर्व करना चाहिए, लेकिन बाहर मजबूरी में कुछ लोग जाते हैं, इट्स अ वेरी टाइम। और मैं जो दुनिया थोड़ी बहुत मैंने देखी क्रिकेट की वजह से, शोबिज़ की वजह से, मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि अली पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, द पीपल ऑफ पाकिस्तान, चाहे आप पढ़ाई में ले लें, चाहे आप खेल में ले लें, चाहे आप साइंस में ले लें, चाहे आप मेडिसिन में ले लें, जिस चीज़ में आप देखें हर में आपको टैलेंट मिलेगा, बट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, सिफारिशों में डिज़र्विंग लड़का बेचारा पीछे रह जाता है। तो जब मैं चीफ सेलेक्टर बना, मेरा पहला जो अपनी सिलेक्शन कमेटी को वो था, मैंने कहा देखिए हमने जगह नहीं देखनी, हमने प्लेयर देखना है, हमने पिंडी कराची लाहौर ये नहीं करना है। स्वाबी से हम दो लड़के लेके आए थे, जिसका उस वक्त आज से मैं 2010-11 की बात कर रहा हूँ, बहुत से लोगों ने स्वाबी का नाम नहीं सुना था, वो यासिर शाह और इर्फ अपना जुनेद खान, दो फास्ट बॉलर और लेग स्पिनर, वो सुपरस्टार बने। तो हमारे पास इंटीरियर में भी शहरों में भी टैलेंट है, और मैं उम्मीद करता हूँ। तो बहरहाल जब मैं चीफ सेलेक्टर बना, सिलेक्शन हमने मेरिट पे की, फिर जब मैं हेड कोच बना अल्लाह के फजल करम से, तो अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि हमने 3 कंसेक्यूटिव सीरीज जीती, उसमें इंग्लैंड का वाइट वॉश भी किया जो कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, आज तक कभी नहीं हुआ था। तो मैं फील करता हूँ, अब जैसे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में मुझे देख के इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है अली, विदाउट विदाउट बीइंग कोच्ड, कहीं सीखे बगैर नेचुरल टैलेंट से लोग इतने कितने बड़े एक्टर्स निकलते हैं। आप अपना, मैं आपके, आप मेरे सामने खुद बैठे हुए एक मिसाल, इतने ज़बरदस्त आपने काम किया हुआ है, लोगों ने कुछ नहीं किया, अपनी नेचुरल टैलेंट इतना है कि जब कोई भी फील्ड हो उसमें जाके काम करते हैं। इस चीज़ ने हमारी चीज़ों को ना बहुत नुकसान पहुँचाया है, एंड आई होप सेंस विल प्रिवेल। सर वो तो बिल्कुल, आपका वो जो फितरा, आपका वो जो स्टेटमेंट तो बहुत मशहूर हुआ, जो आपने कहा कि जी वी मस्ट प्ले फॉर पाकिस्तान रादर देन प्ले विद पाकिस्तान। हाँ, मैं ये कहता हूँ, तो ये तो आज भी है, और मैं देख के बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो पेट्रियाटिज्म है आपके अंदर और जज्बा हुब्बुल वतनी है, ये बहुत अच्छी बात है और सब में होना भी चाहिए। तो आपको कुछ याद है कि आपकी जब सिलेक्शन हुई तो आपने बता दिया कि कौन आपके रोल मॉडल थे, तो उसमें पहला आपको याद है कि आपने कौन से ईयर में
आपने मैच खेला और किसके खिलाफ खेला, कौन सी कंट्री के खिलाफ? ये भी आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया, मैं ज़रूर चाहूँगा, और ख़ास तौर पे जितने जो छोटे बच्चे सुन रहे हैं बात, वो गौर से सुने। मैं टीम में सेलेक्ट हुआ, घर में लोग खुश, सब फादर भाई बहन रिश्तेदार हैं। मैंने फील किया मेरी वालदा जो है खुश नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा वो मैंने कहा पूछा, मैंने कहा अम्मा आप खुश नहीं है मेरे सेलेक्ट होने पर? कहा बेटा मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तेरा ये 1 महीने का टूर है तुम्हारा, और उसके 1 महीने के 10 या 12 दिन के बाद तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स हैं, तुम तो फेल हो जाओगे। तो मुझे उसकी फिक्र पड़ी हुई है। और कौन सी कंट्री का टूर था आपका ये? ये मैं श्रीलंका का टूर, श्रीलंका का पहला पहला फर्स्ट टाइम पाकिस्तान अंडर 25 के लिए सिलेक्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम। तो हमारे नेशनल कॉलेज का, मैं पहले मैं डीजे साइंस में था फर्स्ट ईयर में, फिर मैं नेशनल कॉलेज में आ गया था। जो बड़ा कोइंसिडेंस, क्योंकि मैंने भी नेशनल कॉलेज से पढ़ा है माशाल्लाह, कराची में। नेशनल कॉलेज है ही ग्रेट कॉलेज। हाँ, नेशनल कॉलेज है। हाँ, नेशनल कॉलेज है। हाँ, बिल्कुल। तो मुकरम साहब हुआ करते थे, आपको याद होगा, स्पोर्ट्स के और फिजिक्स के वो प्रोफेसर भी थे। उनके पास मैं गया, मैंने कहा सर अच्छा मैं कॉलेज गया तो वहाँ पे भी लोगों ने कंधों पे उठा लिया वो बारीक बार ये करना। तो मैंने कहा, मैंने उनसे कहा सर मैंने आपसे एक बात करनी है। उनके रूम में के जाके बात की, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, मेरी मदर बहुत परेशान है, और साइंस लेके बैठा हुआ था, दूसरे लड़के आर्ट्स ले रहे थे, मैंने साइंस ली, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो मैंने कहा जी मेरी मदर बहुत परेशान है कि 1 महीने का टूर है, उसके 10-12 दिन के बाद एग्जाम्स हैं, तो मैं कैसे करूँगा? कहने मोहसिन एक बात बताओ, तुम टूर पे पढ़ सकते हो? मैंने कहा जी बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। कहने कि मैं काम करता हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री में, मैं तुम्हारे चैप्टर्स मार्क करवा देता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है। तो मुकरम साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत ग्रेट आदमी थे, प्रिंसिपल थे मुकरम साहब, प्रिंसिपल उस वक्त वाइस प्रिंसिपल थे, और स्पोर्ट्स के हेड थे और फिजिक्स के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने मुझे चैप्टर्स मार्क किया। अब टूर पे जब मैं गया तो डेली शाम को प्रैक्टिस से या मैच से आने के बाद एक जल्दी से शावर लिया अपना, जल्दी रात का खाना खाया और मैं पढ़ने बैठ जाता था। कुछ लड़के मेरा मजाक भी उड़ाते थे, पागल हो गए हो पढ़ रहे हो, हम ग्वालहार घूमने जा रहे हैं, हम वहाँ खाना खाने जा रहे हैं, हम डिस्को भी जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ आप लोग जाएं, बहुत उसका टाइम आएगा आगे। तो मैं रोज़ रात को शाम को मैच से या प्रैक्टिस से आके क्विक शावर, अर्ली डिनर, क्योंकि वापस आके आपको एग्जाम भी देना है, एग्जाम भी देना है। और मैं अपनी, अच्छा हाँ, मैं जब घर आया कॉलेज से तो मैंने अपनी वालदा को कहा, मैंने कहा अम्मा मैं ऐसा मैंने प्लान किया, अगर आप मुझे इजाज़त दे दें दिल से मैं पढ़ूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। कहीं पढ़ लोगे बेटा? मैंने कहा पढ़ूंगा। तो डेली शाम को वहाँ बैठ के पढ़ता था, और अल्लाह के फजलो करम से जब मैं वापस आया हूँ 10 दिन के या 12 दिन के बाद फाइनल एग्जाम्स थे फर्स्ट ईयर के, पास हुआ। मैं कभी भी टॉप क्लास स्टूडेंट नहीं था, लेकिन कभी भी बुरा स्टूडेंट नहीं था। आई वॉज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट। मैं देख के चीज़ों को बहुत सीखता था सारी चीज़ें। तो बहर उसमें पास हुआ। तो मैं एक जो बात कह रहा हूँ कि मैं यंग बच्चों को क्यों कह रहा हूँ, मैं देखता हूँ लड़के। अब मैं एक और मिसाल देता हूँ, जब मैं को हेड कोच था उसमें एक लड़का था जो अभी स्टार प्लेयर बन गया था, वो 8वीं क्लास पास था, 8th, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, स्टार है माशाल्लाह, स्टार बन गया था। तो उसको मैंने कहा, वो सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़ा हुआ, जल्दी क्रिकेट शुरू कर दिया, आपको पता है क्रिकेट में जब लग जाते हैं लड़के तो। तो मैंने कहा बेटा तुम पढ़े नहीं हो, तुमने कुछ किया है, कल तुम पाकिस्तान के कैप्टन बनोगे, तुम्हें जाके बात करना पड़ेगा। और देखिए एक चीज़ में मैं और फील करता हूँ, ज़रूरी नहीं कि हम इंग्लिश बोले, बट क्रिकेट की लैंग्वेज इंग्लिश है, क्रिकेट इज इंग्लिश, अंग्रेजों ने शुरू किया है, इजाद ही उन्होंने किया एक्चुअली, जो पायनियर्स वो हैं, पायनियर्स इन्वेंटर्स ही वो हैं, बिल्कुल। और अब देख लेना क्रिकेट में जो फील्ड प्लेसमेंट्स है वो सारी इंग्लिश में है, उसको उर्दू में क्यों नहीं कर देते आप? तो उसकी लैंग्वेज है, और फिर मेजॉरिटी ऑफ द क्रिकेटिंग नेशंस इन द वर्ल्ड वो सारे इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस हैं, ठीक है ना? आपको अवार्ड मिले तो आपको बात करनी पड़ती है, आप अगर कैप्टन हैं तो आपको बाकायदा इंटरव्यूज देना पड़ते हैं। उस लड़के को मैंने बेटा मैंने कहा कि देखो बेटा इस तरह मैंने पढ़ा था, इस तरह मैं पास हुआ था पढ़ के, तो इस हट के मैं भी पढ़ूंगा। उसको मैंने बुक्स ला के दी, बिकॉज आई फेल्ड के बतौर चीफ सेलेक्टर थे आप, हेड कोच जब मैं, अच्छा जब हेड कोच थे, और सेलेक्ट, और ये लड़का सवाबी का था? नहीं, ये लड़का लाहौर पंजाब का था, पंजाब का। तो जो अभी आप कह रहे हैं कि अभी मौजूदा टीम में है और स्टार है? नहीं, स्टार बन गया था, अभी नहीं है टीम में, अभी मतलब छोड़ गया, लेकिन स्टार बन गया था, ठीक है।
तो पढ़ा उसने, रोज रात को मैं उसको लाके मैंने बुक्स दी लाके, कुछ उसको लिटरेचर की बुक्स दी, कुछ इंग्लिश की दी कि जिस तरह वो सेंटेंस बना सके। मैंने कहा तुम इतना सीखो कि यू कैन कॉन्वर्सेट। तो बहरहाल उस लड़के ने माशाल्लाह पढ़ा और मुझे देख के इतनी खुशी हुई कि उसने दिल लगा के पढ़ा। तो मैं अपने ये मैसेज तो मैं जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को जैसे मैंने कहा था कि बेटा इन बात का ख्याल रखना, पढ़ाई अगर आप 100 साल के या 150 साल के भी हो जाओ ना, पढ़ाई कभी हमेशा आपके काम आती है। ये जो टेक्निकल आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो एक सर्टन एज होती है, एजुकेशन जिंदगी भर आपके काम आती है किसी भी फील्ड में आप हो। तो इसलिए ज़रूरी है मैं फील करता हूँ, और अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी वालदा को उन्होंने इतना वो दिया कि उन्होंने मुझे एजुकेशन में अपना थोड़ा बहुत ना, जैसे मैंने कहा मैं कोई टॉप क्लास स्टूडेंट नहीं था लेकिन मैं बुरा भी नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कभी फेल नहीं हुआ किसी क्लास में। और दूसरे लड़के जब मैं कॉलेज में था तो आर्ट्स में चले गए थे जो खेल रहे थे क्रिकेट, मैंने साइंस ली हुई थी तो साइंस में आपको पता पढ़ना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं जो बड़ी मैटर करती हैं इंसान के फ्यूचर के लिए। और मैं आजकल जैसे मैं देखता हूँ हमारे यहाँ, फिर कहूँगा मैं अपनी गवर्नमेंट से यहाँ कहूँगा कि खुदा के वास्ते एजुकेशन पे इतना ज़ोर दें कि हमारी जो नई जनरेशन है जिसने आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो और दूसरी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, घर की तरबियत होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। मैं आई पर्सनली मैंने पढ़े लिखे जाहिल भी देखे हैं अली, इसी के घर की तरबियत नहीं है, लेकिन हर माँ बाप अच्छी तरबियत देते हैं बच्चों को, समाना चाहिए उसको, घर की तरबियत हो, एजुकेशन हो। तो एजुकेशन इज लाइक सोने पे सुहागा, तो इसलिए जरूरी है। तो सर तरबियत तो बहुत जरूरी है, बिल्कुल। जब हम कहते हैं कि तालीम और तरबियत, तो तालीम तो जरूरी है ही लेकिन तरबियत खास तौर पे, और एक जमाना था अब भी है लेकिन अब वो उसका ग्राफ बहुत नीचे आ गया कि माँ बाप, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ज्यादा था, तो घर में माँ बाप थे या दादा दादी थे तो वो आपकी तरबियत करते रहते थे। और तरबियत बुनियादी चीज है एक्चुअली, अगर तरबियत अच्छी हो और तालीम में कुछ नफ्स रह भी जाए तो वो तरबियत उसको पूरा कर देती है। हमारी हमें याद है हमारी ड्रामे इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा लोग तो खैर नहीं, लेकिन चंद एक लोग थे जिनकी ऐसी कोई कोई रिवायती पढ़ाई नहीं थी, जैसे मोइन अख्तर साहब की कोई बहुत हाईली क्वालिफाइड नहीं थे वो, लेकिन मोइन भाई हमें सब पता है कि जब वो बात करते थे या उर्दू बोलते थे या जब वो अंग्रेजी बोलते थे तो बहुत ही यू नो ही सीम टू बी अ वेरी क्वालिफाइड पर्सन नो मैटर व्हाट यू नो लैंग्वेज वाज ही स्पीकिंग। तो मेरा ख्याल है कि ये सेल्फ ग्रूमिंग बहुत जरूरी होती है किसी किसी भी पर्सनैलिटी के लिए। और तरबियत इसलिए जरूरी है कि सर देखे ना, आप तालीम हासिल करके बहुत सा बहुत कुछ ऐसा है कि आप यानी उस तरफ इविल जीनियस भी तो हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। और बहुत सारी चीजें हमारी क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसी भी हैं जो एक बदनुमा दाग भी है, और वो औराख पे कुछ ऐसे औराख हैं कि जिनको अब मुझे नहीं पता आप कितनी रोशनी डालना चाहेंगे उस पर। लेकिन सर एक चीज यहाँ पे हमारे सुनने और देखने वाले यकीनन सोच रहे होंगे, बैडमिंटन यानी यू वॉन्टेड टू बी अ बैडमिंटन प्लेयर, Which is why you joined Pakistani badminton team. मैं champion था junior team. और उसके बाद जो conversion हुई है towards cricket, तो वो आपने बताया कि वो तीन legendary cricketers की वजह से हुई, लेकिन शुरू में तो आपका रुझान badminton की तरफ था। ये जो badminton से shift था, it's very dramatic. मैं बहुत लंबा नहीं, कोशिश करूंगा थोड़े अल्फाज में इसको बयान कर सकूं। Intercollegiate का standard बहुत high होता था cricket में, sports में, जी। और national college में like I was playing, और उनका मैच भी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम से था एसएम कॉलेज के साथ, जो कि बड़ी वन ऑफ द टॉप टीम्स होती थी। तो लास्ट मैं कॉलेज पहुंचा तो मुकरम साहब मुझे बहुत पसंद, बिकॉज मैं 4-5 स्पोर्ट्स खेलता था जिसमें से 3-4 की ट्रॉफीज जीत के लाता था। तो एक दिन मैं सुबह कॉलेज पहुंचा अली, तो उसने मुझसे कहा गार्ड पे चौकीदार ने कि मुकरम साहब ने सीधा कमरे में बुलाया आपको। तो मैंने कहा ठीक है जी, गया उनके पास। मैंने कहा पता नहीं क्या नाराज़ हैं, डांटेंगे क्या करेंगे। तो कहने मोहसिन तुमने क्रिकेट खेली कभी? मैंने कहा जी खेली है, अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले में खेलते हैं जैसे खेल लिए, कोई प्रॉपर क्रिकेट नहीं खेली। कहने तुम जाओ, हमारा एक एकदम से फ़ोन आया है, बिकॉज कॉलेज में ये नहीं होता था कि 16-16 प्लेयर्स जा रहे हैं, बस 11-12 प्लेयर्स जाते थे, यू नो। एक जो तो उन्होंने कहा हमारा एक प्लेयर इंजर्ड हो गया है, और कैप्टन का फ़ोन आया, उसने वहाँ से स्टेडियम से फ़ोन किया है, तो उनको एक प्लेयर चाहिए, तुम चले जाओ। मतलब उनको यकीन था कि आप कोई ना कोई जाके मामला तो संभाल लिया। हाँ, और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मैंने कभी बैट पकड़ा नहीं है क्रिकेट, मैंने कहा मैं खेला भी तो मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ यारों के साथ खेली थोड़ी बहुत क्रिकेट, उससे ज्यादा। और कॉलेज का स्टैंडर्ड
उस जमाने में कॉलेज के लेवल में टेस्ट क्रिकेटर्स खेल रहे थे, टेस्ट अंपायर्स ऑफिशिएट करते थे, इतना स्टैंडर्ड हाई था, जो कि हमें फिर करना चाहिए, वो आई होप कि होगा। तो उन्होंने कहा नहीं तुम जाओ। मैंने कहा अच्छा जी आप हुक्म कर रहे हैं, मैं चला जाऊँगा। अब मैं आप एक और सीक्रेट बाद में बताऊँगा, आप उस पर हंसेंगे ज़रूर। मैं वहाँ गया तो वो कैप्टन ने मुझे देखा, मैं कहा जी मुकरम साहब ने मुझे भेजा है कोई प्लेयर। कौन सी ईयर की बात है मोहसिन भाई? ये है जी 71-72 की बात। अच्छा। तो उसने मुझे यूँ देखा तो कहने आप ओपन करें। बस मैंने आपसे क्या आया आप, ठीक है जी कर लेता हूँ। पहली दफा क्रिकेट सिर्फ गलियों में खेली है और सामने बैडमिंटन जरूर खेली है आपने। हाँ। एक लेवल पे आके, लेकिन क्रिकेट कभी इस लेवल पे नहीं खेली, सवाल ही नहीं। और ओपनिंग कर रहे हैं आप? ओपन करा दिया गया, कर नहीं रहा हूँ कि आपका ओपन करेंगे। और प्रॉबेबली ही टोल्ड मी लेटर, जो मैं आपको बताऊंगा, तो उसको भी मैं ब्लेम नहीं करता। तो खैर ओपन किया अली, उसमें सेंचुरी होगी पहली मैच में। अब अंपायरिंग उसमें कर रहे थे वो नहीं, अल्लाह उनको जल्दी। यू हैव बीन सो ब्लेस्ड इन मेकिंग सेंचुरीज, मतलब ये वेरी ब्लेस्ड। पहले दिन मतलब इस तरह हादसाती तौर पे आपका क्रिकेट का करियर शुरू हुआ और वहां से लेकर लॉर्ड्स तक सेंचुरीज बनाते रहे माशाल्लाह। और फिर उस अंडर 19 की जब बिगनिंग हुई तो पहले मैच में 300 कर दिए थे, 300 ट्रिपल सेंचुरी। तो इसमें वो ऑफिशियल अंपायर थे, टेस्ट अंपायर थे उमर खान साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। तो जब वो मैच खत्म हुआ तो मुझे बुलाया कि तुम कहाँ खेलते हो क्रिकेट। मैंने कहा सर मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैं तो बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं एथलेटिक्स में हूँ, मैं स्क्वाश खेलता हूँ, मैं स्विमिंग करता हूँ। हाँ। ये तो मुझे एक प्लेयर कोई कम हुआ था, उन्होंने मुझे भेज दिया, वो कैप्टन ने मुझे ओपन करा दिया। हाँ। तो कहने लगे बेटा तू एक काम कर, तू सारे गेम्स छोड़ दे आज से, तू क्रिकेट खेल। सेंचुरी बना दिया आपने? तो सेंचुरी बन गई। मोहसिन भाई क्या वो मतलब वो टर्फ था या सीमेंटेड पिच होती थी? मैटिंग। उस जमाने में इतनी अच्छी क्रिकेट होती थी कि सीमेंट बिल्कुल नहीं होता था, या तो टर्फ होती थी। अच्छा। या फिर मैटिंग होती थी, और मैटिंग के ऊपर अली गेंद सीम भी करता है और ब्रेक भी होता है, ग्रिप करता है बॉल थोड़ा। Yes. सा तो अब एयर स्विंग तो एयर में होती है, अगर वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, लेकिन गेंद ऑफ द पिच सीम करता है, फिर स्पिन टर्न भी करता है सॉरी। तो वो उसमें वो हो गया, उन्होंने कहा बेटा अब तू सारे गेम छोड़ दे, तू क्रिकेट खेल। तो मैंने कहा ठीक है सर। बस ये मेरी क्रिकेट की शुरुआत हुई। उसके बाद मैं अंडर 19 की टीम में सेलेक्ट हुआ कराची के लिए। बस अल्लाह ताला ने इसमें देना था इज्जत, वो उसके फाइनल में 300 मैंने नॉट आउट कर दिया, तो ट्रिपल सेंचुरी हो गई। तो 300 जी हाँ। और बस समझिए अल्लाह ताला ने एक ऐसी बिगिनिंग दी कि वो बैडमिंटन सब सारे गेम, पर फिर वो पार्ट टाइम कभी हो खेल लिया तो खेल लिया, बस क्रिकेट वहाँ से शुरू हुई। तो फिर क्रिकेट, और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने अपने मुल्क की खिदमत की। मैं एयरफोर्स में जाना चाहता था बिकॉज आई वांटेड टू सर्व माय कंट्री। सर इत्तेफाक की बात है कि मेरे और आपके जो शौक हैं या जो अजायम हैं बड़े मिलते जुलते हैं, मतलब हम दोनों पागल हैं। यानी हम दोनों ही पागल हैं, या तो ये कहा जाए कि आजकल की दुनिया में हम दोनों पागल हैं, बिकॉज दोनों ही एक कॉलेज से पढ़े। फिर मैंने भी एयरफोर्स में जाना चाहा, बल्कि मैंने तो आईएसएस बी तक मैं गया था और वहां जाके मैंने एग्जाम भी दिया था लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन बहरहाल ये बड़े हमारे शौक मिलते हैं। आपको बताऊं एक बात बताऊं, मैंने ISSB भी क्लियर कर। अच्छा आपने ISSB भी क्लियर कर लिया? मैं अल्लाह की फजल से हो गया था, लेकिन फिर वो क्रिकेट में आया तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने मुल्क की खिदमत करूं। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता हूं कि जो ख्वाहिश थी वो अल्लाह ताला ने क्रिकेट के ज़रिए पूरी करवा दी, कि पाकिस्तान की खिदमत की। इसी वजह से मैं उन प्लेयर्स के सख्त खिलाफ हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुँचाया, चाहे किसी ने भी किसी भी फील्ड में। मेरे हिसाब से मेरे दिल में उस शख्स की कोई इज्जत नहीं है इसने पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुंचाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको याद है कि कैप्टन कौन थे श्रीलंका के खिलाफ जो आपने मैच खेला, पहला अपनी जिंदगी का जो पहला मैच खेला आपने, अल्लाह जन्नत और रिप्रेजेंट किया आपने पाकिस्तान को, तो हु वाज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम? वसीम राजा वाज द कैप्टन। अच्छा वसीम राजा, द एल्डर ब्रदर ऑफ रमीज राजा। रमीज राजा, वसीम राजा वाज अ क्लास मैन, बहुत बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही जबरदस्त क्रिकेटर था। तो अब अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन ही वॉज माई फर्स्ट कैप्टन। फिर उसके बाद जब मैं टीम में आ गया, देन इमरान, मैंने इमरान बिकेम द कैप्टन। इमरान वॉज अ वेरी गुड कैप्टन, और वो उसकी कैप्टन की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि वो बाई एग्जाम्पल लीड करता था, वो मेहनत करता था। बल्कि उसका किस्सा सुना दूँ मैं आपको छोटा सा, कि एक दिन मुझसे हम लोग हेडिंग ले पे मैच हो रहा था लीड्स में इंग्लैंड में, तो हम बैल्कनी में बैठे हुए थे, मैं उस वक्त ड्रेसिंग रूम में था,
बाहर बैठे कहना यार वो मुझे बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग डाइव ये लड़के डाइव नहीं मारते। तो मैंने कहा तुम कहो इनको, कहले मैं कैसे कहूँ, मुझे मारनी नहीं आती डाइव। मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम अपने जो हमारा कोच था उस जमाने में, कोच वहीं से ले लिया करते थे, ये नहीं होते थे ऑल टाइम साथ में, तो तुम मैच के बाद डाइव मारना सीख लो, एक तुम डाइव मार दो उसके बाद तुम्हारे लड़के को पकड़ लो। हाँ सही बात है। तो एंड दैट्स व्हाट ही डिड एंड एक दफा उसने द एग्जांपल वाज सेट बाय हिमसेल्फ, एक डाइव मारी उन्होंने अपनी लाइफ में, उसके बाद किसी की किसी खैर नहीं थी। तो बहरहाल यू नो ग्रेट प्लेयर्स, आई एम सो लकी अली दैट आई प्लेड विद माजिद खान, ज़हीर अब्बास, इमरान खान, आई कैन टेक मेनी नेम्स, मुश्ताक मोहम्मद वाज ऑन द फिनिश, वो अपने आखिरी बल्कि मैं उनके साथ खेला नहीं लेकिन मैं स्क्वाड में आ गया था। लेकिन सर आई एम श्योर कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपने इतने ये मायानाज और इतने लेजेंडरी क्रिकेटर्स के साथ मैच खेला है, आई एम श्योर कि अगर ये सवाल उनसे पूछा जाए तो वो भी आपका नाम ऐसे ले रहे होंगे कि हमने बहुत ही लेजेंडरी क्रिकेट प्लेयर्स के साथ खेला है एंड यू नो वन ऑफ देम इज मोहसिन हसन खान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो जो लॉर्ड्स की आपकी डबल सेंचुरी है जी, व्हिच ईयर वाज दैट? 82। और मेरा ख्याल है कि पहली पाकिस्तानी प्लेयर ने बनाई डबल सेंचुरी, या उससे पहले भी किसी का रिकॉर्ड नहीं? पहला पाकिस्तानी, पहला एशियन था मैं। पहले एशियन भी थे आप जी। और डबल सेंचुरी कुछ बताएंगे उस वक्त का हाल कि पाकिस्तानी टीम किस सिचुएशन में थी उस वक्त में? एक चीज आपको, इंग्लैंड के और इंग्लैंड से मैच होगा यकीनन जी हां, और बड़ा क्रूशियल मैच था और साइकोलॉजिकली बड़ा प्रेशर होता था पाकिस्तानी टीम पे, बहुत प्रेशर था। और एक दो जद्दे अमजद हैं क्रिकेट के इसलिए भी बिल्कुल, और फिर उन्हीं की सरजमीन पे, उनकी सरजमीन पे सीरीज हो रही थी। और हुआ क्या था, पहला टेस्ट मैच हम हार चुके हुए थे एज वेस्ट इंडीज के ऊपर, तो ये लॉर्ड्स में था। और उस वक्त कैप्टन कौन था? इमरान। और इमरान वाज फ्यूरियस कि हम कैसे मैच हार गए, दूसरा मैच हमें जीतना है, जीतना है, जीतना है, हम सब डिटरमिंड थे बहुत। तो एक आपको एक बड़ी खूबसूरत चीज बताऊं, उनका एक ऑफ स्पिनर होता था जिम लेकर इंग्लैंड जी, वो कमेंट्री कर रहा था तो उस जमाने में बीबीसी के लिए। तो 78 का भी टूर हुआ था, तो 78 में मैं 40 और 50 के बीच में हर इनिंग्स में आउट हो रहा था, एवरी इनिंग्स अली 41, 42 तो ऐसे करके, और 50 नहीं होती थी, इसके बीच में आउट हो रहा था। तो एच बैस्टन पे जब पहला मैच हुआ उसमें भी 30 और 40 के बीच में आउट हो गया। तो लॉर्ड्स में जब हम लोग मैच शुरू होने लगा तो मुझे इमरान ने मुझे कहा, इमरान मोहसिन जिम लेकर तुमसे बात करना चाहता है, बाहर है, करोगे बात? तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो वो ड्रेसिंग रूम में आया एंड लिटरली यू नो व्हाट ही सेड, ही सेड मोहसिन यू आर अ वंडरफुल प्लेयर बट आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग दैट यू आर अ मच बेटर प्लेयर देन 30s एंड 40s। सो आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स बट ही सेड इफ यू बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस व्हेन यू क्रॉस 30 that you should get to 50 and then 100, so like that you're a much better player than 30s and 40s. So I said, Jim, thank you so much for your kind words. Fortunately, usme 200 ho gaye. Ab dekhiye ye Allah ki taraf se ye cheeze hoti hain. Ab wo angrez aadmi, usse mera kya taluq, uski team ke khilaf khel raha hu. But he was a cricket, you know, cricket ka jo passionate hota hai, fir wo nationality aur wo nahi dekhta, wo player ko dekhta hai. Ab jaise main nationality nahi dekhta, mera Majid Khan, सुनील गवास्कर एंड ग्रेग चैपल आर माय थ्री आइडियल्स ऑफ माय लाइफ, क्रिकेटिंग लाइफ। तो जब 200 मेरा हुआ तो यू नो उसने क्या मुझे जेस्चर दिया। मेरा ख्याल सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के भी जो आइडियल थे या रोल मॉडल थे वो माजिद खान ही थे बिल्कुल क्रिकेट में आने के लिए, जो मैंने सुना है। एक तो वो आपस में फर्स्ट कजिन्स थे, फर्स्ट कजिन्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर माजिद खान। आई टेल यू व्हाट, मैंने इतना ज़बरदस्त क्रिकेटर और उससे ऊपर इतना ज़बरदस्त इंसान अपनी लाइफ में शायद ही कोई देखा हो, माजिद खान। माजिद खान जब भी मेरे वो आइडियल थे, बिकॉज आई यूज़ टू, बल्कि जब मैं ड्रेसिंग रूम में आता था कभी अली जल्दी आउट हो गया या मैं बैठा हुआ हूँ हमारे चल रहा है, मैं माजिद भाई के पास जाके बैठ जाता था, उनसे बातें करता था। सर कहाँ है वैसे आजकल, देखा जाए तो अब तो बिल्कुल ये जस्ट वैनिश्ड फ्रॉम द, देख के मैं जब हेड कोच बना था मुझे देख के यही अफसोस हुआ कि गाइडेंस नहीं है लड़कों को ड्रेसिंग रूम में। हमारे पास जैसे हमारे सीनियर प्लेयर्स माजिद खान थे, ज़हीर अब्बास थे उस वक्त, सादिक मोहम्मद भी थे और अपना दूसरे एक दो सीनियर प्लेयर्स थे जिनसे हमें बड़ी अच्छी गाइडेंस मिलती थी। और ये बड़ा अच्छा होता है कि अगर आपको
माँ बाप तो देखिए गाइडेंस देते हैं, अगर आपको जनरल लाइफ में भी गाइडेंस मिल जाए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो इस तरह करके बहरहाल जब वो 200 मेरे हुए तो मैं कमेंट्री बॉक्स, मैंने कहा मैं इसके ऊपर जाके इसको थैंक यू करूँ। जब मैं ऊपर गया मैंने कहा जिम थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प मी। ही सेड नो मोसे, आई टोल्ड यू आर अ मच बेटर प्लेयर देन 30s एंड 40s। उसने सिर्फ मेरे हाथ रखा, कहता आई एम प्राउड ऑफ यू, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। क्या बात है, इससे ज्यादा उसने ये नहीं किया, आई डिड सेड कुछ नहीं बड़ी बात, उसने कहा आई एम प्राउड ऑफ यू और ये करके उसने वो कर दिया। और बड़ी एक सिंसियर उन्होंने एडवाइस दी और मुझे लगता है इट रियली वर्कड इन योर, इट रियली वर्कड। इवन आसिफ इकबाल जो हमारे वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स होते थे, उन्होंने 78 के टूर पे कहा था कि मोहसिन के, वो हमारी टीम में ना कुछ 4-5 लड़के कैरी पैकर में चले गए थे, तो यंग लड़के काफी आ गए थे, तो आसिफ इकबाल ने भी कहा था कि अगर मोहसिन के साथ सीनियर बैट्समैन होते तो ये जो आउट हो रहा है 30 और 40 के बीच में तो ये डेफिनेटली 50 करता, 100 करता। इसको सो मैच जीते थे हम लोग डबल सेंचुरी लॉर्ड्स का, लॉर्ड्स वाला, लॉर्ड्स वाज अ हिस्टोरिक मैच अली, वो यानी कि वहां पे आपने देखा होगा लॉर्ड्स के नीचे जो उनके पंडित्स बैठे होते हैं, जो उनको टिपिकल एमसीसी के सूट और कैप हैट लगा के ये करके, उनकी एलीट है जो ड्रेसिंग रूम जो पवेलियन के नीचे बैठती है, उन्होंने पाकिस्तान की विन पे स्टैंडिंग ओवेशन दिया था पाकिस्तान टीम को। उसमें से 2-4 से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा इतना दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टेस्ट मैचेस वी हैव विटनेस एट लॉर्ड्स। और कितने दिन तक बैटिंग की आपने, ये 2 दिन 3 दिन 1 दिन? जी मैंने एक तो ये मैंने बल्कि किया और बल्कि उसका मशहूर है बहुत कि 199 पे बारिश हो गई। अच्छा 2.5 घंटे या 2.5-3 घंटे में ड्रेसिंग रूम में बैठा हूँ, अब वो परेशान। और आप सुनिए इसका, आपने याद दिला दिया तो मैं कह देता हूँ, कह चुका हूँ लेकिन रिमाइंडर का आप पहुंच गए मुझे लगता है उस एरा में। आपने पहुंचा दिया मुझे। वो जॉन एलिया मरूम ने एक शेर कहा था कि साल हा साल और एक लम्हा, कोई भी तो न इनमें बल आया, खुद ही एक दर पे मैंने दस्तक दी, खुद ही लड़का समय निकला है। तो मोहसिन भाई अपने आप को देख रहे हैं, मुझे लग रहा है विजुअलाइज कर रहे हैं बिल्कुल, और देख रहे हैं कि अपने आप को यू नो सिनेरियो में पहुंच चुके हैं बिल्कुल। आप बिल्कुल सब चीज सामने आ गई। तो यहाँ पे मैं जो बात कह रहा था आपसे कि 199 तो 199 पे बारिश हो गई, मेरा ख्याल तकरीबन 2.5-3 घंटे का ब्रेक आ गया। तो थोड़ी देर के बाद इमरान मेरे पास आए, इमरान ने कहा बीइंग अ कैप्टन तो समझदार आदमी है, उसने आके मो उसने कहा मो वो बाहर मीडिया ये बात करने, बात करोगे? हाँ कर लेता हूँ, क्या बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो कहने लगा श्योर बात करोगे? मैंने कहा अच्छा मुझे पता नहीं क्यों श्योर कह रहा है। मैंने कहा हाँ हाँ कर लूँगा ठीक है। खैर मैं ड्रेसिंग रूम के बाहर गया, वहाँ खड़े थे 20-25 लोग, तो उन्होंने सवाल किया ये किया, एक ने मुझसे कहा कि मिस्टर मोहसिन खान डू यू नो दैट इफ़ यू गेट आउट ऑन 199 यू विल बी अमंग सो मैनी प्लेयर्स एंड इफ़ यू गेट वन मोर रन टू गेट योर 200 यू विल बी द 7th इन द वर्ल्ड। अब जब मैंने अली ये सुना, a historical moment that was. अब मैंने ये सुना तो झटका लगा, अरे बाप रे बाप। देन आई सडनली मुझे हिट किया, ये इमरान मुझे क्यों पूछ रहा था कि जाओगी बात करने के लिए बाहर, ये मीडिया से ये सवाल होगा और जबरदस्ती तो मेरी बात से हो सकता है नर्वस करे। तो बड़ी दिल से दुआ किया आपने कि बारिश रुक जाए। बाल मैं अंदर आया जैसे रूम में, मैंने इम्मी को कहा, मैंने कहा यार ये बात कहना, मैं इसीलिए तो कह रहा था कि जाओगे नहीं जाओगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा। मैंने कहा एनीवे अली मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बोल रहा हूँ, जब भी किसी चीज़ में हाथ डाला चाहे वो क्रिकेट है या बैडमिंटन है या इवन जब फिल्म इंडस्ट्री में गया, काम किया ईमानदारी से, काम किया ईमानदारी से खेला। और आई पर्सनली फील, मैं अपने बच्चों के लिए भी कहूँगा जो सुन रहे हैं, कि ईमानदारी हो अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है उसमें, और अल्लाह ताला चाहे अच्छी फील्ड हो, नेक फील्ड की बात कर रहा हूँ, उसमें ज़रूर कामयाब करता है। तो मैंने ईमानदारी से अपने मुल्क की सर्व की, एज अ प्लेयर भी, एज अ चीफ सेलेक्टर, एज अ हेड कोच, और हेड कोच के जो मेरे रिजल्ट हैं वो आज तक पाकिस्तान में किसी के नहीं, और चीफ सेलेक्टर में भी जो हमारे कुछ एक्स चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी सिलेक्शन हमने आज तक देखी नहीं। सर ये एज ए प्लेयर के बाद जब आप पीसीबी में, आपने पीसीबी ज्वाइन किया एज ए चीफ सेलेक्टर, पहले ज्वाइन किया, पहले एज ए हेड कोच किया गालिबन, ये पहले एज ए चीफ सेलेक्टर, एज ए चीफ सेलेक्टर, और उसके बाद आप एज ए हेड कोच भी आपने अपनी खिदमत सर अंजाम दी, तो ये एकदम से प्लेयर के बाद एकदम से एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब और पूरा उसके स्ट्रक्चर को समझना, उसको
उसको रूल्स रेगुलेशंस को एस्टैब्लिश करना, ये यू नो इट वाज एंटायरली अ डिफरेंट जॉब ऑल टुगेदर देन यू नो योर प्लेइंग बैकग्राउंड. तो हाउ डिफिकल्ट वाज दैट फॉर यू कि ये जब आप बने चीफ सिलेक्टर, और क्या क्या मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना था आपको व्हेन यू बिकेम द चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम? बहुत जबरदस्त आपने सवाल किया है, बिकॉज एक ट्रांजैक्शन था, ग्राउंड एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन था ये, और बहुत रिस्पांसिबिलिटी थी, बिकॉज ये पहले से मैं सुनता आ रहा था कि जी वो सिलेक्शन ठीक नहीं हो रही है, मेरिट पे कुछ लड़के नहीं लिए जा रहे हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी सिलेक्शन कमेटी को सबसे पहले कहा था कि हमने जगह नहीं देखनी, हमने प्लेयर देखना है. फिर हमने जो प्लेयर्स निकाले थे अल्हम्दुलिल्लाह वो सब, और फिर उस ज़माने में अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, एजाज भट्ट साहब चेयरमैन होते थे, जब इन्होंने मुझे ऑफ़र दी तो मैंने इनसे कहा, ये मैं ज़रूर सुनाना चाहता हूँ कि लोग इस चीज़ को सुने और सोचें, अपने मुल्क का पहले सोचें. तो मैंने कहा सर मुझे दो चीज़ों की आपसे, मेरी शरायत नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे इस पे सपोर्ट करेंगे तो कहने बोलो. मैं कहा जी एक तो मैं सिफारशी नहीं खिलाऊंगा, चाहे वो सीनियर प्लेयर हो या यंगस्टर हो, मैं इंजर्ड प्लेयर को ज़बरदस्ती नहीं खिलाऊंगा, मैं मेरिट पे टीम सेलेक्ट करूंगा, और जो भी किसी गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हुआ उसको 11 तो क्या मैं स्क्वाड से निकलवा दूंगा, आप मुझे सपोर्ट करेंगे इन बातों पे? उन्होंने कहा मैं 100% सपोर्ट करूंगा. मैंने कहा सर मैं हाजिर हूँ. फिर मैं बना, फिर मुझसे एक दफ़ा ऐसे पूछने लगे थे कि जब चीफ सेलेक्टर बन गया उनसे इंटरेक्शन बहुत होता था, कहने मोहसिन क्या बात है, टीम क्यों नहीं अच्छा खेल रही है? मैंने कहा सर टीम अपने पोटेंशियल पे नहीं खेल रही है, प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, ना इनके पास गेम प्लान मुझे नज़र आ रहा है उसमें, ना मुझे स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है, हर लड़का बस अपना जा रहा है कि मेरा कुछ हो जाए उसके बाद टीम को हारे जीते कोई फिक्र नहीं है. मैंने कहा मुझे गेम टीम स्पिरिट जो डिटर्मिनेशन एंथुसियाज्म है वो नज़र नहीं आ रहा. अच्छा खैर उसके इत्तफाक थी, ये बात बात हो गई हमारी. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जिस वजह हेड कोच था उसको हटा दिया. उन्होंने कहा मोहसिन मैं तुम्हारी जो ख्यालात हैं मैं तुम्हें जॉब दूं तो करोगे हेड कोच का? मैंने कहा जी अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर करूंगा. तो तुम जो बातें करते थे अब मैं देखता हूं कैसे प्रूव करता हूं. मैंने कहा सर बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करता हूं. और टीम में उस वक्त हालत ये थी, बिलीव मी नॉट, मैं कोई बड़ाई नहीं जता रहा, मैचेस हार रहे थे, टीम में बदतमीजियाँ हो रही थी, डिसिप्लिन बिल्कुल बिखरा हुआ था, टीम टूटी हुई थी और कोई यूनिटी नज़र नहीं आ रही थी. बिकॉज देखिए क्रिकेट ये टेनिस का सिंगल्स नहीं है, क्रिकेट इज़ अ टीम गेम, वो 11 जो है ना वो एक लगना चाहिए ग्राउंड के ऊपर, ऐसा ये टीम गेम है. तो फिर उन्होंने कहा ठीक है करो. श्रीलंका उस ज़माने में टॉप 4 में थी वर्ल्ड दुनिया की, उस वक्त सारे उनके टॉप प्लेयर्स जो थे संगाकारा जयवर्धन दिलशान सब टीम में थे. तो इनसे हमारी यूएई में सीरीज हुई, इनको हमने अली तीनों फॉर्मेट में हराया 2020 वन डे टेस्ट मैच. फिर वहीं से बांग्लादेश का, अच्छा मैं था सिर्फ एक उसके लिए सीरीज के लिए, श्रीलंका सीरीज के लिए. इन बिटवीन वो आ गए एजाज भट्ट साहब की जगह जका अशरफ साहब आ गए. तो उन्होंने कहा मोहसिन आप कंटिन्यू करें, बिकॉज जब उन्होंने वो दुबई पहुंचे अबूधाबी पहुंचे थे जब हम सेकंड टेस्ट मैच भी जीत गए थे, तो उन्होंने कहा आपने तो टीम को ये वही लड़के हैं सारा कुछ रंग ही बदल, क्या किया आपने? मैंने कहा कुछ नहीं किया जी, लड़कों को प्यार से समझाया. बिकॉज अली मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ, जैसे कि ये मेरी मदर से मैंने सीखा, वो प्रिंसिपल भी थी स्कूल की, गर्ल्स स्कूल के एयरपोर्ट पर जो गर्ल्स स्कूल था उसकी प्रिंसिपल थी. अच्छा तो आपकी वालदा हयात हैं अभी? नहीं अब नहीं है, उनको जन्नत नसीब करने वाली. क्योंकि जिस तरह आप बार बार अपनी पूरे अपनी इस गुफ्तगू के अंदर अपनी वालदा को याद कर रहे हैं, उनको एडमायर कर रहे हैं, तो वो नजर आ रहा है मुझे कि बहुत ही एक जज्बाती ताल्लुक सबका होता है, मगर बड़ा उनका इन्फ्लुएंस है, बड़ी रिफ्लेक्शन है उनकी आपकी जिंदगी पे. जी बिल्कुल बिल्कुल दोनों का है, जैसे मेरी वालदा का वालिद का दोनों का, इसलिए मेरे वालिद ने मुझे तरबियत दी ना तो एक ऑर्डर नहीं दिया, मुझे समझाया है कि देखो बेटा ये मत करना ये करना, तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं. सॉरी नहीं, इट्स ओके सर.